आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आधार सेंटर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, और इस सिचुएशन में अगर आप शॉप वाले के पास जाते हैं तो वहां पे आपको 500 से 600 रुपये की डिमांड कर देता है और वो आपको देना पड़ता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे आधार सेंटर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं यहाँ से सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप जाना। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधार सेंटर चाहे आप डायरेक्ट ले या किसी CSC के थ्रू ले, आपके पास आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहां गाइडलाइंस दी गई है कि इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन से बातों को फॉलो करनी होगी, और यहां पे आप इसका पेमेंट भी देख सकते हैं कि 470 रुपये का आपको यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या आप एग्ज़ामिनेशन टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आप दोबारा से 235 रुपये का पेमेंट करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में अगर पास हो जाते हैं तो आपको सैंपल सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा उसको देखने के लिए सिंपली यहाँ सिंपल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा जो एग्ज़ाम है कौन सेंटर पे आएगा तो उसको चेक करने के लिए यहाँ सेंटर डिटेल पे ओके करेंगे। यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेंगे जो भी स्टेट से है। इसके बाद यहाँ पे सिटी डाल देंगे कि आप कौन सा सिटी से है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे इस पे डालते हैं यहाँ पे आपको सर्च वाले पे ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का पूरा सेंटर आ जाता है और इसी एग्जामिनेशन सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा अगर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं, तो सिंपली क्लिक है पे ओके करेंगे। यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेंगे, यहाँ सिटी डाल देंगे से कौन सा सिटी से, वो आपको सिटी इसमें से चूज कर लेना कि आपको कौन सा नज़दीक में पड़ता है, वो आप यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर डाल देता हूँ। यहाँ पर सेंटर का टेस्ट सेंटर डाल देंगे जो भी है, यानी ऐसी सेंटर में यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर डेट आप डाल देंगे, यहाँ पे डेट चूज कर लीजिए कि आप कौन सा डेट में आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे डेट मिल जाता है। अपना मनपसंद डेट इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले पे ओके करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्लॉट अवेलेबल है और नॉन अवेलेबल है इस डेट में, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पे ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको XML फाइल अपलोड करनी है। XML फाइल कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो इसके लिए आप होम पे वापस आएंगे और यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, XML फाइल का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जी में दिया गया है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे इस लिंक पे। जैसे इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया टैब ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे आप कैप्चा डालना है, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा कैप्चा आ जाएगा, वो कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे कैप्चा आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड या कैप्चा यहाँ पर डाल के सेंड OTP पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का कोड गया होगा, यहाँ पे अपना कोड डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको 4 करेक्टर का यहाँ पे आपको एक कोई भी नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1234, इस तरीके से आपको डाल देना है। यहाँ डाउनलोड वाले पर क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आपको XML फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये XML फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। इसके बाद आप वापस आ जाइए और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे जो XML फाइल डाउनलोड किए हुए हैं यहाँ चूज फाइल पर करके यहाँ पे उसको ला के डाउनलोड इसको रख लेना है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे XML फाइल डाउनलोड होकर आ चुका है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे ओपन कर देता हूँ, यहाँ मेरा जो है XML फाइल यहाँ पर आ गया है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ अपलोड फाइल पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ देख रहे हैं सक्सेसफुली आपकी फाइल अपलोड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोड डालना होगा, जैसे मैंने चूज किया था 1234। इसके बाद सिंपली यहाँ एक्सट्रैक्ट वाले पर ओके करेंगे। यहाँ पे सक्सेसफुली हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन ओपन होके आ गया है।
इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ वैलिडेट पे ओके करेंगे। जैसे इस पे ओके करते यहाँ सक्सेसफुली, यहाँ देखिए यहाँ वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद यहाँ सेंड मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ वैलिड वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे जो आपका ये वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पर अपने ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपका ईमेल आईडी डाल के यहाँ 100 XML सेंटर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पिक वगैरह या फोटो वगैरह यहाँ पे आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है। तो इस तरीके से आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोटो आ जाएगा। यहाँ कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुली आपके यहाँ पर यूजर आईडी और आपके यहाँ पासवर्ड जनरेट हो गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए मैं पासवर्ड को यहाँ से निर्भर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके मैं इसको रख लेता हूँ अपने रिकॉर्ड के लिए। तो इस तरीके से आप भी स्क्रीनशॉट लेके इसको आप सेव करके रख लीजिए। इसके बाद सिंपली यहाँ प्लीज लॉगिन हेलो हेयर वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो यूजर आईडी और ये पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड, नया पासवर्ड रख लेना है। इसके लिए आपको जो पुराना वाला पासवर्ड है, जो ओल्ड पासवर्ड जो आपको दिया गया है वो यहाँ डालेंगे, और जो नया वाला पासवर्ड है वो आप इसमें डाल देंगे। पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। आपको एक हिंट क्वेश्चन इसमें से चूज कर लेना है जो आपको याद रहे, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, इस डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। इसका यहाँ पे कुछ आंसर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक आंसर डाल देना है। जब भी आप पासवर्ड भूल जाए तो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आंसर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पासवर्ड मेरा चेंज हो गया। यहाँ पर मैं क्लोज वाले पे ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आई एग्री पे ओके करके यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस साइड में आपका पिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल में आपको इस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है, तो आप इसमें से चूज कर ले। चलिए यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद यहाँ पे लेवल और एग्जाम में आपको क्या चूज करना है, यहाँ पे UIDAI सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन लैंग्वेज आपको चूज कर लेना है। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, इंग्लिश, हिंदी और इसमें आपको उर्दू भी मिल जाता है। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पे आपको इनरोलमेंट एजेंसी चूज कर लेनी है। आपकी एरिया में जो भी इनरोलमेंट एजेंसी हो वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है कि आपको कौन सा जो इनरोलमेंट एजेंसी नज़दीक में है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका नेम आ गया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे आपका जेंडर है वो आ जाता है, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ पे अपने स्टेट है वो अपने एरिया के स्टेट को आप इसमें से चूज कर लेंगे कौन से स्टेट से हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना सिटी चूज कर लेना है, कौन सा सिटी आपको लगता है वो सिटी आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट सेंटर नेम, आपको यहाँ टेस्ट सेंटर नेम इसमें से आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप जो भी सेंटर चूज करेंगे उसी पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू, आपके सामने पूरी आपकी यहाँ डिटेल आ जाती है। एक बार इसको चेक कर लीजिए, अगर लग रहा है इसमें कुछ गलत है तो इसको बैक जाके सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके अपने फॉर्म को देख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं या यहाँ पे ऑलरेडी पेड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ आपको क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिक्लेरेशन को ओके करेंगे। ओके करते यहाँ आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे देखिए पूरा पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ गया। यहाँ कार्ड का है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम, UPI। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ मंथ डालेंगे, यहाँ ईयर डालेंगे, यहाँ CVV नंबर डालेंगे, यहाँ कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है आपका मॉक एग्जाम पे क्लिक करके आप यहाँ से एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे एग्जाम में और कौन कौन से टॉपिक पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन के एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एक्चुअल कितने रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देता है।
अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे स्टार्ट द टेस्ट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन चूज कर लेना है। सेक्शन चूज करने का यू आई डी ए ऑपरेटर सुपरवाइजर का ओके कर देना है। यहाँ स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका एग्जाम आएगा। जब वहाँ सेंटर पर जाएंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने कुछ इसी तरीके से यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 109 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आपको एक सही आंसर देना है। इस तरीके से यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जिसका भी आंसर देंगे इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इस तरीके से जिसका भी आंसर आप देते जाएंगे इस तरीके से देते जाएंगे और नीचे आके यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका जो है क्वेश्चन जो भी आपका है ये बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे आप इसका आंसर दे चुके हैं, 3rd क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आप यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं यहां पे इसका प्रैक्टिस करता हूं, यहां पे देखिए मैंने 4 का जवाब दे दिया हूं, यहां 4 सही भी हो चुका है। इस तरीके से आपको भी जवाब देना है। जैसे आप सबका जवाब दे देते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं सबमिट एग्जाम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां से आप नेक्स्ट पे ओके कर देंगे तो आपको जो मॉक टेस्ट है वो फिनिश हो जाएगा। आपके सामने आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा जो आप यहाँ से इस कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपको इसमें मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से आप जितनी भी बार चाहे यहाँ से जाके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको इसको चूज कर लेना है, यहाँ एग्जाम टेस्ट पे ओके कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 109 मिनट का टाइम मिलेगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, इसीलिए आप कितनी भी बार इसको क्लियर कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको डेट एंड टाइम दे दिया जाता है, तो आपको टाइम से पहले 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। 15 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंच जाना है सेंटर पे और ये आपको जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है। एक बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है और साथ ही आपको एक सुपरवाइजर आईडी भी दे दी जाएगी। इसके बाद आपको आना होगा esewa.cloud.in, आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ से आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे ओके करेंगे। इसके बाद अपना सीएससी जो भी यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ये यहाँ पे ये डाल के ओके करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगी, वो फॉर्म आपको डाल के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद जो फॉर्म में आपको जो भी पूछा जाएगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म में वही आपकी जो दुकान से रिलेटेड जो है, आपके पास प्रिंटर है कि नहीं, आपके पास कंप्यूटर है कि नहीं, इसके बाद आपके पास क्या इन्वर्टर है कि नहीं, वही सब ऑप्शन रहता है, उस सबको भर को आपको सबमिट कर देना है। इसे आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना है आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए। जैसे ही आपका सेंटर अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको अपना यूजर आईडी और अपना जो पासवर्ड है वो डाल के आपको उसमें लॉगिन कर लेना होगा। और लॉगिन करने के बाद आप अपने आधार कार्ड का जो भी काम है वो चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं आप अपने सीएससी सेंटर से। सो इस तरीके से आप अपने सीएससी सेंटर के थ्रू आधार कार्ड का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए बीसी कोड या सुपरवाइजर या आपके पास ऑपरेटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे अप्रूवल मिलने के बाद, तो आप अपने सीएससी सेंटर से आधार कार्ड का डेमोग्राफी अपडेट आप कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।